Hi everyone, this is Anjali. Welcome back to my channel and welcome to another video. So, video में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये एक full pack जिसको बोलते हैं ना, ये सारी चीजें एक ही वीडियो में मिलने वाली उस टाइप की वीडियो है. सो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि अगर आप किसी शादी में जा रहे हैं, शादी अटेंड करने, तो आप क्या मेकअप कर सकते हैं, क्या ज्वेलरी वेयर कर सकते हैं, क्या आउटफिट हो सकता है. लाइक पर्सनली जो मैं अपने लिए करती हूँ वो मैं आप लोगों को आज दिखाने वाली हूँ. ऑल्सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय Amazon एंड Amazon पे चल रही है उसकी वार्डरोब रिफ्रेश सेल. आई होप आप लोगों में से बहुत लोगों को अभी तक पता चल गया होगा, एंड अगर नहीं पता चला है आप जाकर इसको चेक कर सकते हो, क्योंकि आपको आपके फेवरेट फैशन एंड ब्यूटी ब्रांड्स पर मिल रही है 50-80% ऑफ. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आई थिंक यू शुड ग्रैब. और इस वीडियो में आगे मैं आप लोगों को बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस दिखाने वाली हूँ जो कि आप डेफिनेटली इस सेल में परचेज करके उनका मजा उठा सकते हैं. सो इस वीडियो का एक स्टार एलिमेंट होने वाला है वो है ये आउटफिट जो मैंने वेयर किया है. मैं आपको फुल अभी रिवील नहीं कर रही हूँ, वो वीडियो के एंड में रिवील करूंगी. सो या ऑल्सो जो भी प्रोडक्ट्स मैं इस वीडियो में यूज करने वाली हूँ उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके उसको चेकअप कर लेना. सम अप लिंक भी है तो आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा. एंड या आई थिंक लेट्स बिगिन विद द वीडियो. गाइस, आउटफिट दिखाने से पहले आई रियली वांटेड कि मैं छोटा सा एक मेकअप लुक भी आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो कि आप क्विकली अगर किसी की वेडिंग में जा रहे हो, गेस्ट हो किसी की वेडिंग में, तो आप उसको वेयर कर सकते हो और कुछ भी मतलब तामझाम नहीं लगेगा. सो सबसे पहली चीज मैं जो यूज कर रही हूं विच इज दिस इनसाइड का प्राइमर. दिस इज 3-in-1 प्राइमर एंड मैं मेरे फेस को ऑलरेडी मॉइस्चराइज कर चुकी हूँ. सो क्विकली मैं इसको अप्लाई कर लूंगी. ऑल्सो जितने भी प्रोडक्ट्स मैं दिखाने वाली हूँ उन सब के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएंगे. दिस प्राइमर इज गुड. ये बिल्कुल एकदम से सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है और बहुत अच्छे से एक स्मूथ बेस देता है आपके मेकअप के लिए. अच्छा, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है दैट आई डू नॉट अप्लाई अ लॉट ऑफ मेकअप व्हेन आई एम गोइंग समवेयर, लाइक किसी शादी एंड ऑल दैट में, जब वो मेरे घर की ना हो. बट मैं एक मिनिमल मेकअप करती हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. सो ये मैंने Amazon से ही परचेज किया था. दिस इज स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर एंड दिस इज इन द शेड 06. तो अब हम इसको अप्लाई करके देखेंगे कि ये हमें सूट होगा या नहीं होगा. एंड आई डोंट हैव मिरर राइट नाउ, सो या मैं स्क्रीन पर ही देख के इसको अप्लाई करने वाली हूँ ऑन द एरिया जहाँ मुझे थोड़ा सा लगता है कि कवरेज वगैरह चाहिए होगी. इसी को मतलब हल्का फुल्का मैं इधर उधर अप्लाई कर रही हूँ. ओके, दैट्स इट आई थिंक. उसके बाद ये कफ्स एंड लैशेस की मैं ब्रश यूज कर रही हूँ. दिस इज डीप एंगुलर कंसीलर ब्रश और इससे मैं अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. अंडर आई को काफी अच्छे से कवर किया है. दो मुझे इतने ज्यादा डार्क सर्कल्स का इशू नहीं है, बट स्टिल जो इसने दिया है आई लाइक इट. या काफी सही है, नाइस. उसके बाद मैं यूज करूंगी कॉम्पैक्ट. मैं डायरेक्टली फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं लगाने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू जंप ऑन टू दिस. दिस इज Maybelline Fit Me का कॉम्पैक्ट. दिस इज इन द शेड 280 आई थिंक 230 नेचुरल बफ. एंड उसके लिए जो मैं ब्रश यूज करने वाली हूँ, दिस इज Miniso का मिनी ब्रश सेट. ये भी मैंने Amazon से ही लिया था, आप लोगों ने हॉल में देख ही लिया होगा ऑलरेडी. सो दिस इज व्हाट द ब्रश सेट लुक्स लाइक. उसका ये वाला ब्रश मैं यूज करने वाली हूँ. एंड नाउ आई हैव मिरर एंड आई कैन सी काफी अच्छे से मेरी अंडर आई को उसने कवर किया है. एंड लेट्स अप्लाई द पाउडर नाउ. आई लाइक द कंसीलर क्योंकि उसने ना बहुत अच्छे से कवर किया है मेरी अंडर आईज को. आई वॉन्ट से कि इट्स सो गुड बट एट दिस प्राइस. नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट. दिस ऑल्सो आई बॉट फ्रॉम Amazon ओनली. इनमें आई थिंक इसमें सारे ही प्रोडक्ट्स मैंने Amazon से ही परचेज किया और सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो दिस इज वॉट द आई शेडो पैलेट लुक्स लाइक. इसका मैं एक
ट्रांजिशन शेड लूंगी मैं दिस वन. मैंने लिया है ये बीच में जो शेड है ना, ये वाला. और इसको मैं मेरी क्रीज को ब्लेंड करूंगी यूजिंग दिस शेड. एक बहुत ही मतलब एक ना डीप वाला जो क्रीज होता है ना, उसका इफेक्ट चाहिए मुझे. सिर्फ उसके लिए मैं ये यूज कर रही हूँ. एंड या दैट्स इट. कैन यू सी, इससे ना थोड़ा सा ना मतलब ब्रॉन्जी ब्रॉन्जी सा हो जाता है फेस, तो वो अच्छा लगता है. सो या फेस कह रही हूँ, आईज, तो वो ना आईज थोड़ी उठ के आती हैं. दैट्स व्हाई आई लाइक इट. दैट्स इट. अगर आप चाहो तो आप कोई भी शिमर शेड अप्लाई कर सकते हो, बट आई पर्सनली फील है कि इतना इनफ है मेरी आईज के लिए. देन आई एम गोइंग टू अप्लाई थोड़ा सा ब्लश, क्योंकि फेस पे ब्लश की कमी रही जाती है. सो आई एम यूजिंग दिस शुगर का ब्लश. सबसे पहले तो मैं इसको यूज करके अपनी आई पे टॉप अप करूंगी इसको, क्योंकि पिंकनेस थोड़ी सी दे देगा ये मेरी आईज को, जो थोड़ा सा खाली खाली लग रही थी. एंड या दैट्स इट आई थिंक. इसको फिर ब्लश की तरह यूज़ करेंगे हम लोग. एंड मैं यही जो पाउडर के लिए हमने ब्रश यूज़ की थी, वही मैं यूज़ करके अपना ब्लश अप्लाई करने वाली हूँ. दिस ब्रश इज सो कन्वीनियंट एंड सो सॉफ्ट. सो या थोड़ा सा स्माइल एंड वी हैव आवर ब्लश. कैन यू सी, मुझे बहुत ही सटल वाले ब्लशेस पसंद है. आई डोंट लाइक दोज पॉप अप वाले ब्लशेस. कैन यू सी माई स्किन? कोई अभी तक मैंने हाईलाइट अप्लाई नहीं किया, बट इट्स स्टिल शाइनिंग. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बहुत अच्छा सा स्किन केयर करें बिफोर अप्लाइंग द मेकअप, ताकि आपको एक बहुत ही ज्यादा, जिसको बोलते हैं ना, इनबिल्ट सॉर्ट ऑफ ग्लो मिल जाए आपकी स्किन को, तो आपको टॉप अप ग्लो की जरूरत भी ना पड़े. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से. एंड या काफी अच्छे से सही से हमारा ब्लश भी लग गया है. देन उसके बाद मैं लगाने वाली हूँ मस्कारा. एंड दिस इज फ्रॉम मेबलिन. दिस इज ए कलोसल मस्कारा, वाटरप्रूफ वन, क्योंकि काफी टाइम तक टिकना होता है. मस्कारा लगाते टाइम ना अजीब गरीब फेस बनना इज वेरी ऑब्वियस. सो या आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो ना गंदे गंदे फेसेस बन ही जाते हैं. सी, मैंने आईज पे कुछ ज्यादा किया भी नहीं है, बट स्टिल माय आईज आर स्टैंडिंग आउट. एंड दिस इज व्हाट आई लाइक फॉर द मेकअप पार्ट, कि बिल्कुल ऐसा मेकअप करो कि ज्यादा हैवी भी ना लगे एंड बट स्टिल यू आर स्टैंडिंग आउट. मतलब समझ जाओ व्हाट आई वांट टू से. देन आई एम अप्लाइंग अ लिपस्टिक. आप कोई भी लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो. सो यस, ये ड्राई हो जाएगी ना, देन इट विल लुक गुड. अभी ग्लॉसी है, ग्लॉसी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट अभी क्या करें, इसका वेट करना पड़ेगा हमें कि ये सूख जाए. उसके बाद मैं डालने वाली हूँ इयररिंग्स. और जैसे कि मैंने बताया, आई लाइक माई आउटफिट्स टू बी वेरी सिंपल, बट माई ज्वेलरी टू बी लिटल हैवी. तो इस वाले में बहुत यही चीज़ होने वाली है. सो आई एम गोइंग टू वेयर दीज इयररिंग्स. मैंने अमेजोन से ही लिए थे और इनका मैंने फुल रिव्यू किया हुआ है उस वीडियो में. मैं उस वीडियो को यहाँ पर कहीं पर लिंक कर दूंगी एंड यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. मैंने बहुत डिटेल में इनके बारे में बात की है वहाँ पर. सो या नाउ, जबकि मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ, अगर मुझे किसी शादी में जाना हो, आई लिटरली गो लाइक दिस. तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना आउटफिट, जो कि इस पूरे वीडियो का मास्टरपीस होने वाला है एंड यू आर लिटरली गोइंग टू लव इट. सो दिस आउटफिट इज फ्रॉम अमेजोन. सो मैं आपको मेकअप का फटाफट से क्लोजअप दे देती हूँ.
this is what it looks like. It has a silk sort of dupatta, which is not pure silk, but it is a heavy dupatta. मतलब इसे cheap quality वाला feel नहीं होता है. उस पे lace लगी हुई है चारों तरफ. Same with the dress. इस dress पे भी नीचे चारों तरफ मतलब पूरे घेरे में lace लगी हुई है. It has 3/4 of sleeves, which is very nice. And quality wise काफ़ी अच्छा है. Rich feeling देता है. बिल्कुल भी ऐसी cheap वाली quality नहीं है इसकी. Brand and everything will be mentioned in the description box. आप सारे डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर डिस्क्रिप्शन वाह अंजलि आप सारे डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैंने इसका लिंक दिया है ताकि आप डायरेक्टली देख सकें कि कितना इसका प्राइस था, कौन से सेलर से इसे बाय किया है एंड एवरीथिंग. बाय द वे लेट मी टेल यू, इट इज़ विद इन 100,000 rupees एंड इट इज़ सो गुड क्वालिटी. इसके साथ आपको नीचे कोई भी बॉटम नहीं मिल रहा है, जस्ट द ड्रेस एंड द दुपट्टा. एंड आप इस ड्रेस को मल्टीपल सॉर्ट ऑफ दुपट्टा से स्टाइल कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना एक बार. सो यार गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. मैं तो लेट हो रही हूँ मेरा फंक्शन अटेंड करने के लिए. मैं चाहती हूँ भागी भागी. इतने में आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है. ऑल्सो आपको इनमें से कुछ भी परचेज करना है, आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको वो चेकआउट करना है. एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो. इफ यू डू सो देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में. सो तब तक के लिए बाय.